एवरीवन, मैं हूं ज्योति अस्मिता गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो जब से विंटर सीजन स्टार्ट हुआ, मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे विंटर स्किन केयर पे वीडियो बनाने के लिए, ड्राई स्किन पे वीडियो बनाने के लिए, एंड मैंने उसकी शुरुआत कर दी। एक वीडियो ऑलरेडी जा चुका है जिसमें आप सबके साथ शेयर किया फेस वॉशेस फॉर विंटर सीजन फॉर ऑल स्किन टाइप। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाके आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपके काम की है तो। और आज मैं आप सबके साथ दो ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली जो स्पेशली फॉर्मुलेट किए गए ड्राई स्किन के लिए, फ्लेकी स्किन के लिए। पहला प्रोडक्ट है ये द डर्माकोका वाइटामिन ई सीरम और दूसरा ये द डर्माकोका वाइटामिन ई मॉइस्चराइजर। ये दोनों ही प्रोडक्ट स्पेशली फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्किन है। एंड जब से ये ठंड का महीना, मतलब ठंड का मौसम स्टार्ट हुआ ना, मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई सी होने लगी थी, स्पेशली मेरे माउथ एंड मेरे नोज एरिया के आसपास। वैसे मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, बट विंटर सीजन आता है थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है। एंड आई फील कि विंटर में सबको ही थोड़ी बहुत ड्राई एंड फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं काफी टाइम से रेगुलरली एवरी डे यूज कर रही हूँ और आज मैं इन्हीं दोनों का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है, और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। बता देती हूँ मैं आपको दोनों की ही प्राइस। तो ये जो द डर्माकोका 4% विटामिन ई सीरम है, इसकी प्राइस है 499 रुपीज, जिसमें आपको मिल जाते हैं कुछ 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो द डर्माकोका 3% विटामिन ई मॉइस्चराइजर है, इसकी प्राइस है 349 रुपीज, जिसमें आपको मिल जाते हैं कुछ 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। एंड डर्माकोका आई हैव अ कूपन कोड जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इस कूपन कोड को आप द डर्माकोका वेबसाइट पर यूज करोगे तो आपको इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को मिल जाएगा 20% का ऑफ। मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये द डर्माकोका वेबसाइट के साथ साथ नाइका, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। तो सारे के सारे जो परचेज लिंक्स हैं प्लस जो मेरा कूपन कोड है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो की इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है विटामिन ई। सीरम में यूज करा गया 4% ऑफ विटामिन ई और मॉइस्चराइजर में यूज करा गया 3% ऑफ विटामिन ई। एंड विटामिन ई जो होता है वो फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ में हाईली मॉइस्चराइजिंग होता है और इसमें नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन को हील करने में हेल्प करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती हैं, और स्किन का जो बैरियर होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर, उसको भी स्ट्रेंथन करने का काम करती है। साथ ही साथ में मॉइस्चराइजर में लैक्टिक एसिड का भी यूज करा गया जो कि एक तरीके का AHA मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमारी स्किन को कह लीजिए कि एज स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, पोर विजिबिलिटी, इन सब चीजों को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ में मॉइस्चर लॉस को भी प्रिवेंट करता है और अगेन स्किन के जो स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। साथ ही साथ में जो दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं ये फ्रेग्रेंस फ्री हैं, इनमें किसी भी तरीके की कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये प्रोडक्ट्स उनके लिए काफी अच्छे बन जाते हैं जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है या इरिटेट होती है फ्रेग्रेंस से। और इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबिन, सल्फेट, मिनरल ऑयल और डाइज नहीं है। कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये जो मॉइस्चराइजर है आप देख सकते हैं कि काफी थिक है, काफी क्रीमी है, बट बहुत ही इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है। मतलब थिक या क्रीमी होने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टगिंग या पुलिंग करनी पड़ती है, बहुत ही इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है, स्टिल बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी जल्दी ये मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है, कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सीरम के कंसिस्टेंसी की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी रनी से इसकी कंसिस्टेंसी है, तो ये बिल्कुल भी थिक नहीं है और जैसे ही आप इसको स्किन में मसाज करोगे ना, बहुत ही हल्का सा ये स्टिकी सा फीलिंग देता है, बट लगभग कह लीजिए कि 2-2.5 मिनट बाद जब स्किन में बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है ना, तो वो स्टिकी फीलिंग भी चली जाती है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता स्किन, बट ये स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको एडेड मॉइस्चराइजेशन चाहिए अपने मॉइस्चराइजर के पहले, आप चाहते हो कि आपकी स्किन और अच्छे से मॉइस्चराइज हो, हाइड्रेट हो, प्लम्प लगे, तो ये सीरम उसका काफी अच्छा काम करता है। बात कर लूं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की दोनों ही प्रोडक्ट को लेके, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब से विंटर सीजन स्टार्ट हुआ प्लस मेरी डिलीवरी के बाद, आई डिलीवर्ड लास्ट मंथ, तो मेरी डिलीवरी के बाद भी मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो रही थी, स्पेशली मेरा नोज एंड मेरे माउथ के आसपास का एरिया। एंड जो मॉइस्चराइजर मैं उस टाइम पर यूज कर रही थी वो इनफ नहीं लग रहा था मुझे मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, वो ड्राइनेस, फ्लेकीनेस नहीं जा रही थी। एंड उस
तभी से मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया था। तो पहले मैं मॉइस्चराइजर की बात करूंगी, तो मॉइस्चराइजर मैं मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम में यही वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, तभी से कह लीजिए ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है एंड मैं तब से यही वाला मॉइस्चराइजर मेरे डे एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि थिक है, क्रीमी है, बट बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो बहुत आराम से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, स्किन मेरी ग्रीजी वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होती। बट यस, ठंड में इस समय जैसा मॉइस्चराइजेशन मेरी स्किन को चाहिए, कुछ थोड़ा सा हैवी चाहिए गर्मियों एंड मॉनसून के कंपैरिजन में, वो ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। स्टिल मेरी स्किन ग्रीजी या चिपचिपी सी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। सीरम की बात करूं, सीरम को मैं कैसे यूज करती हूँ, तो सीरम को ब्रांड ने भी रेकमेंड किया कि सिर्फ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करें, तो सीरम को मैं एवरी डे मेरे लाइक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ। फेस को वॉश कर लेती हूँ, इस सीरम की 3 से 4 ड्रॉप्स लेती हूँ एंड बहुत ही, क्योंकि रनी सी कंसिस्टेंसी है तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको अच्छे से लेके मैं मेरे स्किन में पैट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं यही वाला मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो मेरे जो स्किन पर ड्राइनेस हो रही थी, इन दोनों प्रोडक्ट्स के 3-4 यूज में वो ड्राइनेस बिल्कुल चली गई। तो मुझे लगता है कि इस विंटर सीजन में मुझे मेरा गो टू मॉइस्चराइजर तो मिल ही गया है। इस पूरे विंटर सीजन आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉइस्चराइजर। मुझे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से मेरी स्किन को सूट किया है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें कोई फ्रेग्रेंस वगैरह भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है, जैसे मेरी स्किन साल भर तो ऑयली रहती है बट विंटर सीजन में थोड़ी सी ड्राई होने लगती है, अगर आपकी स्किन इन जनरल ही ड्राई है तो मुझे लगता है तो भी ये मॉइस्चराइजर आपके लिए काम करेगा, बस आपको क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। मैं कैसे लगभग कोई साइज अमाउंट लेती हूँ और मुझे इनफ होता है। अगर आपकी स्किन इन जनरल ड्राई तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, बट मुझे लगता है कि आपकी स्किन के लिए भी काम करेगा, हर स्किन टाइप के लिए, स्पेशली विंटर सीजन में ये मॉइस्चराइजर काम करेगा। साथ ही साथ में अगर मैं सीरम की बात करूँ, आपको एडेड जैसे आपकी स्किन इन जनरल ड्राई है और आपको एडेड मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो आप ये सीरम जरूर इंक्लूड करेगा आपके स्किन केयर रूटीन में। स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और काफी अच्छे से प्लम्प बनाता है। तो मैं ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को हाईली रेकमेंड करूंगी, स्पेशली विंटर सीजन के लिए। अगर आप ड्राई फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई ड्राई सी हो रही है, तो आप डेफिनेटली ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को आपके स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों प्रोडक्ट्स, मेरी तरफ से मैं इन दोनों को थम्स अप देती हूँ। एवरी स्किन इज डिफरेंट एंड इसीलिए हर स्किन का स्किन केयर रूटीन भी अलग होता है, काफी ज्यादा पर्सनल होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, तो आप ले सकते हो द डर्माकोका स्किन असेसमेंट टेस्ट। उसमें आपको आपके स्किन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको द डर्मा को रेकमेंड करेगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप, आपका पर्सनल स्किन केयर रेजिम। बता दूं आपको कि द डर्मा को इज अ ब्रांड दैट इज डिजाइंड बाय डर्माटोलॉजिस्ट और अब द डर्मा को जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है वो सारे ही प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है। सो जो लोग मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में पूछते रहते कि दी विंटर सीजन के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजर बताइए या फिर हमारी स्किन ड्राई हो रही है कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताइए, कोई अच्छा प्रोडक्ट बताए ड्राई स्किन के लिए, तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स को हाईली रिकमेंड करूंगी। आप जरूर चेक करिएगा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड मैं तो थ्रू आउट विंटर सीजन ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज करने ही वाली हूँ। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।